नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, बिहार की जिम्मेवारी पहले संभालें, और जाना है तो सुपुर्द कर देना, पर्दे के पीछे से क्यों? खुल करके बिहार के लोगों को ठंडाने वाले लोग ही शासन में दे दें उसको, अब बैठ के ठंडाएं उसको। बिहार की जनता भी उस ठंडाई का निराकरण कर देगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक वर्ष भी पार नहीं कर पाएगा। जो गठबंधन उन्होंने तोड़ा है बिहार के अंदर, तो प्रधानमंत्री तो दूर की बात, वो बहुत दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की कौड़ी है, मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे। कल KCR आ रहे हैं बिहार के अंदर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिनकी अपने राज्य में हालत ख़राब है, एक बाई इलेक्शन हार गए पिछले दिन, बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबरा गए तेलंगाना में। तो जो लोग अपने राज्य में जो नकार दिए जा रहे लोग हैं, जिनका जन समर्थन घटता जा रहा है, वैसे लोग मिलकर फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और KCR कह रहे कि नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा फ्रंट बनना चाहिए। तो कोई इतने लोग सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, हर राज्य का मुख्यमंत्री जो है विपक्ष का, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? और ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश का क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री वही ना बन सकता जिसकी अपनी पार्टी के पास 200 250 300 अगर मेंबर नहीं होगा, तब तो जो गठबंधन के लोग होंगे उनका गर्दन पकड़े रहेंगे, हमेशा दबाते रहेंगे, गर्दन समर्थन वापस ले लेंगे। तो आज नरेंद्र मोदी जिस मजबूती से काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास, इसे बड़ा से बड़ा निर्णय ले पाते हैं। और कमज़ोर प्रधानमंत्री, कमज़ोर का मतलब कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, अगर आपका अपना बहुमत नहीं है तो आप सहयोगी दलों के दबाव में हमेशा रहेंगे, वो डिक्टेट करेंगे टर्म्स आपको, और तो आप कोई भी निर्णय लेने के पहले आपको 10 लोगों से पूछना पड़ेगा। तो देश की जनता को तय करना कि हमको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो इसलिए वो KCR हो, कोई हो, नीतीश कुमार किन्हीं का भी सपना पूरा नहीं होने वाला है। 2024 में देश की जनता ने, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको मालूम है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा, कौन काम करेगा। तो इसलिए KCR के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कई अभी बिहार में कई KCR आएंगे और इन तरह तरह का फ्रंट बनाएंगे। तो कांग्रेस का रही है कि हम, यानी कांग्रेस सरकार में है लेकिन कांग्रेस करी कि कोई नाम पर सहमति नहीं बनी है, इसलिए ये सब चलेगा। तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़कर एक लठबंधन सरकार बनाने का प्रयास किया है, और जिस तरह आपने देखा कि लगातार उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक गुंडे की तरह बयान दिया जा रहा है कि हम सबको ठंडा कर देंगे, वो ठंडा मेरा स्पष्ट मानना है कि 2024 और 25 में बिहार की जनता पूरे महागठबंधन को ठंडा करने का काम करेगी, ये बिहार की जनता जवाब देगी। ऐसी सरकार के लिए उन्होंने जनमत नहीं दिया, और जनमत नहीं देने के बावजूद जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, ये स्पष्ट है कि ये लोग लोभ में, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और देश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। और यहाँ तो अब तो कोई पता भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई हम इसको प्रधानमंत्री नहीं मानते, आप पार्टी कह रही है कि हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, TMC कहती है नहीं मान रहे। इसके बावजूद बिहार के ठगबंधन के लोग बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर, और राघोपुर की चिंता तो लालू प्रसाद जी सोचिए कि पति पत्नी और बेटा तीनों वहां से MLA हो गए, अब वहां काम नहीं हुआ तो आप समझिए कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राघोपुर का कभी विकास नहीं हो पाएगा।
इसलिए राघोपुर की एक विधानसभा की चिंता जब कोई मुख्यमंत्री रहकर उप मुख्यमंत्री रहकर अपने काम क्षेत्र का नहीं कर सकता है तो पूरे बिहार में विकास की चिंता तो वो कर ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा शेर है, अकेले ही इन आठों पर काफी।